सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो दुनिया चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जियो सिम यूज करते हैं और अगर आपका जो जियो डेटा है 1 GB या फिर 2 GB हो, शाम से पहले ही आपका जो 24 आवर्स पर डे होता है, शाम से पहले ही आपका जियो का डेटा खत्म हो जाता है और आप वायरिड रहते हैं, कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाते, तो कुछ इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में, ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिस तरह से आप जियो डाटा को सेव कर सक टाइम तक जो बचे हुए डाटा है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स अनुभव। तो दोस्तों, मेरे को पता है कि मेरा जो 90% दोस्त है वो सभी के जियो इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग बहुत वारिड रहते हैं कि उनका डेटा जब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इस टिप्स के मदद से, इस ट्रिक्स के मदद से आप उस डेटा को सेव कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली एक ऐप है, तो ऐप को आपका डिस्क्रिप्शन लिंक, उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये प्ले स्टोर में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, ढूंढने में नहीं मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि ये गूगल का ही है और ये बीटा वर्जन में है, अभी तक USA कनाडा ऐसी जो देश होता है वहाँ पर है कंट्री में, तो अभी तक इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो बीटा वर्जन में है। तो चलिए दोस्तों, ऐप का नाम है ट्रिंगल, ठीक है, तो ऐप को बेसिकली ये ऐप है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसका इंटरफेस देखिए और इसको आप जो डेटा जो है इसको एक सेव कर सकते हैं, ये 100% काम भी करते हैं, गूगल का खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो देख लीजिए किस तरह से मतलब डेटा को सेव कर सकते हैं कंज्यूमर डेटा। आपने देखा होगा कि गूगल का जितना सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, गूगल सर्विस और यूट्यूब और भी बहुत सारा शेड्यूल जो पहले से प्री इंस्टॉल जो ऐप आता है उसमें बहुत सारा डेटा को कंज्यूम कर लेते, बैकग्राउंड में चलता है, तो वो आपको आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा बहुत सारा प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा जहाँ से वो आपको आप वो बोलते हैं कि दवा करते हैं कि वो आप डेटा को सेव कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं होता, अगर आपका सेट रूट नहीं हो तो ये ठीक तरह से काम नहीं करता। पर ये जो ट्रिंगल ऐप है गूगल का, ये मतलब बिना रूट के ही काम करता है, ठीक है, और डेटा को आप सेव कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड में जो डेटा चलता है उसको आप बंद करके जो जिसको आप मतलब एक्सेस देना चाहते हैं वही एक्सेस कर पाएंगे और नहीं तो नहीं। तो सिंपल मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और उसके बाद मेक एंड मैनेज फोन कॉल उसको भी ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए सिलेक्ट योर प्रीपेड मोबाइल डेटा नेटवर्क, तो यहाँ पे सिर्फ इसको मैं नॉट लिस्टेड कर देता हूँ और नीचे पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों। ये देखिए आज जो मेरा डेटा है यूज हुआ है 12.6 MB और किसने यूज किया है वो देखिए सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। आपका सेट में जितना सारा ऐप है, सिस्टम ऐप हो या फिर नॉर्मल आपको जो डाउनलोड किए इस्तेमाल करते हैं वो ऐप हो, ठीक है, इंस्टॉल किया ऐप हो, तो सारी देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड ओएस, गूगल प्ले सर्विस कितना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और मैंने जो सब्सक्राइबर काउंट का लगा के रखा है तो वो देखिए यहाँ पे कितना डेटा कंज्यूम किया है, गूगल प्ले सर्विस कितना किया है, क्रोम कितना किया है, फेसबुक कितना किया है, मतलब इसको सुबह से मैंने खोला ही नहीं है फिर भी ये बैकग्राउंड में चलता है और इतना इतना डेटा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। MI क्लाउड, MX प्लेयर, स्क्रीन रिकॉर्डर प्रो, ये मैंने यूज ही नहीं कर रहा हूँ फिर भी ये डेटा बैकग्राउंड में चल रहा है, मेरा जो डेटा है कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो 1 GB डेटा तो आराम से ख़त्म ही हो जाएगा, मैं यूज करूँ या फिर ना करूँ, ठीक है। ये देखिए यूट्यूब मैंने थोड़ा सा खुला था, 11.8 MB मतलब कट लिया, ठीक है, सुबह से आज का हिसाब है, डेली बेसिस से है तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते। तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारे ऐप के मतलब और भी एक इंटरेस्टिंग डेटा मतलब जो कंज्यूम करने के लिए मतलब सेव करने के लिए और एक ऐप है कि ओपेरा मैक्स करके, आप लोगों को पता ही होगा, वो भी मैंने यूज करके देख लिया, वो ठीक तरह से काम भी नहीं करता, ठीक है, और जब मैं एक्टिव करता हूँ तब भी काम करता है, वो बैकग्राउंड में नहीं चलता, कुछ देर के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। पर ये जो ऐप है ट्रिंगल करके 100% काम करेगा, मैंने यूज करके देखा। तो सिंपली डेटा सर्वर इज ऑफ है तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद सेव बाय ब्लॉकिंग डेटा फॉर योर एप्स सेट अप डेटा सेवर, तो इसको ऑन कर देते हैं। और ओपन सेटिंग नीचे पे है, तो किस तरह से करना पड़ेगा, यहाँ पे शो कर रहा है, तो ओपन सेटिंग पे जाते हैं और एप्स दैट कैन ड्रॉ ओवर अदर ऐप ओके कर देते हैं, ठीक है, और देखिए डन, और देखिए अलाउ डाटा ओनली फॉर दिस ऐप यूज, मैं वही मतलब उसको एक्सेस कर सकता हूँ जो मतलब वो खोलेगा जिसको मैं परमिशन देता हूँ, ठीक है, जो जैसे कि मान लीजिए मैंने YouTube को ब्लॉक करके रखा हूँ, ठीक है, ये देखिए ताला की तरह लगा हुआ है, तो मैंने इसको बंद करके रखा, तो मैं अभी YouTube आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो चलता है कि नहीं, मैंने वहाँ पर से बंद करके रखा हूँ, तो सिंपल मैं YouTube के पे गया, ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक आ गया, ठीक है, और देखिए कोई भी एक वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, देखिए यहाँ पे
ब्लॉक शो कर रहा है, ऐप 10 मिनट मैंने दिया और ऑलवेज भी कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ऐप उतना देर तक एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। देखिए कहीं पे भी टच कर रहा हूँ, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी मतलब जो बैकग्राउंड में चलता है, देखिए जो जो जितना ऐप बैकग्राउंड में चलता है सबको आप जो मतलब ताला की तरह लगा हुआ है सबको इस तरह से बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका डेटा भी सेव होगा, तो और शाम से पहले जब को ख़त्म भी हो जाता है वो भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों का आज का जो मेरा वीडियो था अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों के लिए जरूर हेल्प करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त को तो साथ भी इसको शेयर कर देना, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो डेटा जो उनका जो खत्म हो रहा है जल्दी वो भी उनको सेव कर पाए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, मिलता है अगले वीडियो पे, बाय।